पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में वर्णित महत्वपूर्ण और धार्मिक नारद पुराण की व्याख्या की, जिसके दो भाग हैं और इन दोनों भागों के पूर्व भाग में 125 और उत्तर भाग में 82 अध्यायों का वर्णन मिलता है, जो नितांत महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व रहा है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र है, जिसे आप हमेशा अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए 18 पुराणों में वर्णित महत्वपूर्ण और धार्मिक मार्कंड्य पुराण की व्याख्या करेंगे, जिसमें बताया गया है कि औषधियों को भी नवदुर्गा का रूप माना गया है, जिसमें पौराणिक व ऐतिहासिक गाथाएं, बलभद्र की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद की पुण्यमयी कथा, आड़ी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का आख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित है चरित्र, अलर्क चरित्र, मदालसा की कथाओं का वर्णन मिलता है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। प्राचीन पुराणों में लोकप्रिय पुराण को मार्कंडेय ऋषि ने क्रॉस्टी को सुनाया। इसमें भी ऋग्वेद की तरह अग्नि, इंद्र, सूर्य जैसे देवताओं का विवेचन मिलता है। इसमें गृहस्थ आश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की चर्चा है। माँ भगवती की महिमा का परिचय पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा और महात्म्य, राजा हरिश्चंद की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनसुईया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र जैसी अनेक गाथाओं का विश्व विख्यात वर्णन मिलता है। मुख्य कारण है कि इसमें 13 अध्यायों में 91-92 देवी महात्म्य का प्रतिपादक बड़ा ही महनीय अंश है, जिसमें देवी के विविध तीनों रूपों महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के चरित्र को बड़े ही विस्तार रूप में लिखा गया है। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक, जिसके 137 अध्याय वाले पुराण के 1 से 42 अध्याय के वक्ता पक्षी और श्रोता जैमिनी हैं। 43वें से 90 अध्याय में वक्ता मार्कंडेय और श्रोता क्रपटुकी हैं और इसके बाद के अंश के लिए वक्ता सुमेधा और श्रोता सूरज समाधि हैं। मार्कंडेय पुराण का आकार छोटा लेकिन सार गर्भित है। इस पुराण के 137 अध्यायों में लगभग 9000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय ऋषि के कथन से ही इसका मार्कंडेय पुराण नाम पड़ा। मार्कंडेय पुराण पुराण के सभी लक्षणों को अपने अंदर समेटे हुए है। इस पुराण में ऋषि जी ने मानव कल्याण के लिए नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक विषयों पर प्रतिपादन किया है। इस पुराण को विस्तृत रूप से सनातन, धार्मिक, प्राकृतिक, वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकट किया गया है। इस पुराण में एक पक्षी के प्रवचन का अधिकारी बनाया गया है और उससे सभी धर्मों का निरूपण करवाया गया है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंड जी के समीप जैमिनी का प्रवचन है, जिसमें धर्म संगत पक्षियों की कथा सुनाई गई है। पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के श्राप के कारण उन्हें श्राप से विकार की प्राप्ति का कथन यहाँ है। इसमें बलभद्र की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, आड़ी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता पुत्र का आख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित है चरित्र, अलक्र चरित्र, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमयी वर्णन, कल्क के अंतकाल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र की सृष्टि, दीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक कथाओं का कीर्तन और दुर्गा जी की पुण्यदायिनी कथा है, जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में आती है। इसमें 3 वेदों के तेज और सूर्य देव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, मनु के वंश का वर्णन, वत्स प्रिय का चरित्र, महात्मा खनित्र की कथा, राजा अविक्षित का चरित्र, किमिक्षिक व्रत का वर्णन, नरिशयंत का चरित्र, इच्छवाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र के जीवन का उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरूर्वा की कथा, राजा नहुस के अद्भुत जीवन का वृत्तांत, यताति का पवित्र चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण बाल लीला और मथुरा द्वारिका की लीला भी इसमें वर्णित है, अनेक अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्यावाद का वर्णन भी मिलता है। मार्कंडेय पुराण में पाप नाशनी पुण्यकारी
चंडी देवी के महात्म्य का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। ये पुराण शाक्त ग्रंथ भी कहलाता है। इस पुराण में दुर्गा सप्तशती का भी वर्णन है, जिस कारण सनातन धर्म के सभी भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धा पूर्वक करते हैं। मार्कंडेय पुराण में आख्यान, उपाख्यान और कथाएं भरी हैं। इस पुराण का सबसे करुण और मार्मिक प्रसंग राजा हरिश्चंद और ऋषि विश्वामित्र को दान देना है, जिसमें हरिश्चंद अपने सर्वस्व दान करके भी वचन का पूरा करते हैं। ऐसे पवित्र पुराण के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त करता है। सनातन धर्म में हमेशा ही जीव जंतु, पेड़ पौधों और धरती पर पैदा होने वाली वनस्पतियों और उनके औषधीय गुण के कारण जीवन में अत्यंत उपयोगी समझा जाता है। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। जिन औषधियों को नव दुर्गा के रूप में माना गया है और जो रोगों को शत्रुओं की तरह नाश करती हैं, नव दुर्गा को बेहद शक्तिशाली, जिसे मार्कंडेय पुराण में नव दुर्गा के रूप में नौ औषधियों की शक्ति का वर्णन मिलता है, इन्हें तमाम रोगों का नाशक बताया गया है। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिसके नौ रूपों को बेहद शक्तिशाली बताया गया है, जिसकी आराधना करने से जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। जब असुरों के आतंक से देवता परेशान हो गए, तब माता पार्वती ने नौ रूपों में आकर असुरों का नाश किया। ठीक उसी तरह जीवन में आने वाली सभी बीमारियों के लिए मार्कंडेय पुराण में नौ ऐसी औषधियों का जिक्र मिलता है, जिन्हें माँ दुर्गा के नौ रूपों की तरह शक्तिशाली बताया गया है। इसलिए इन औषधियों को नव दुर्गा की संज्ञा दी गई है। मान्यता है कि नौ औषधियों के सेवन से बड़ी बीमारियों से लड़ा जा सकता है। दुर्गा जैसी शक्तिशाली औषधियों के बारे में आइए जानते हैं मार्कंडेय पुराण में बताई गई इन औषधियों के बारे में। नंबर एक, हरण की तुलना माता शैलपुत्री से की जाती है, जो सात प्रकार की होती है। सब हरणों की अलग विशेषता है। एक, हरितिका को हरण को भय करने वाली। दूसरा, पथिया सभी के लिए हितकारी। तीसरा, कायस्थ हरण शरीर की काया को बेहतर बनाने के लिए। चौथा, अमृता यानी अमृत के समान। पांचवा, हेमवती हिमालय पर पैदा होने वाली। छठा, चेत की चित्त को प्रसन्न करने वाली। सातवां, श्रेयसी हरण को सभी का कल्याण करने वाली माना जाता है। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी के बारे में। ब्राह्मी माँ के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी के नाम पर रखा गया है। ये आपके स्वर को मधुर और मस्तिष्क को कुशाग्र बनाती है और ये मस्तिष्क से जुड़ी परेशानियों को दूर कर देती है। इससे याददाश्त भी बेहतर होती है और रक्त से जुड़े विकार भी दूर हो जाते हैं। इस औषधि को माँ सरस्वती की संज्ञा दी जाती है। तीसरे दिन का स्वरूप माँ चंद्रघटा को माना जाता है, जिसे चंद्र सूर्य के रूप में माना गया है, जो देखने में धनिये के समान होती है। ये शरीर का मोटापा दूर करने में बहुत उपयोगी है, क्योंकि मोटापा दूर होने से शरीर की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये हृदय रोगियों के लिए भी लाभकारी माना जाता है। चौथा, कुम्हरडा को ही माँ कुष्मांडा का रूप माना गया है, जो पुष्टिकारी वीरवर्धक होने के साथ खून के विकारों को दूर करने वाली औषधि मानी जाती है। और पेट में होने वाली गैस की समस्या को नियंत्रित करता है। इसका इस्तेमाल पेठे की मिठाई बनाने के लिए भी किया जाता है। पांचवा, अलसी को बेहद शक्तिशाली माना जाता है, जिसे स्कंद माता का स्वरूप भी माना गया है। आयुर्वेद में अलसी को त्रिदोष नाशक यानी वात, पित्त और कफ का नाश करने में सक्षम माना जाता है, और आयुर्वेद में सब रोग वात, पित्त और कफ से संबंधित ही माने जाते हैं। छठा, माता का छठा रूप कात्यायनी को माना गया है। इसे हम अम्बा, अंबिका, अम्बालिका व माचिका के रूप में भी जानते हैं, जिसका औषधीय रूप मोइया के रूप में माना गया है, जो कफ, पित्त और कंठ के रोगों का नाश करने में करने वाली मानी गई है। सातवां, नागदौन औषधि को माता कालरात्रि की संज्ञा दी गई है। ये औषधि शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से लड़ने में सक्षम मानी जाती है। ये शरीर से विष का भी नाश भलीभांति कर देती है, जो मानव को काल के मुंह से बचाता है। आठवां, सभी सनातन प्रेमियों के घर में पाई जाने वाली माँ तुलसी को महागौरी का स्वरूप माना जाता है, जो मानव शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। ये आपको कफ के प्रकोप से बचाती है। इसके नियमित सेवन करने से रक्त विकार भी दूर हो जाते हैं। नवा, शतावरी को माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप माना जाता है, जो शरीर को बलवान और शक्तिशाली बनाती है।
ये मानसिक बल और वीर्य को बढ़ाने के लिए उत्तम औषधि मानी जाती है। ये वात और पित्त से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में सक्षम होती है। इस तरह की सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का, और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।